सोशल मीडिया पर कई मरतबा आपने देखा होगा कि एक कंबल दिया जाता है किसी गरीब को और उसके इर्द गिर्द 15 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। केला, एक दर्जन केला बांटने वाले लोग अस्पताल में पहुंचते हैं मरीजों के पास, कुछ केले बांटते हैं और 12 केले होते हैं, 17 लोग खड़े होते हैं फोटो में, फोटो सेशन में। तो मैं ये स्वीकार कर लूं सर कि आपको डाक के जरिए बॉन्ड मिल गया और आपको नहीं पता किसने दिया, ये बेहतर स्थिति होनी चाहिए क्या कुछ हमारे देश के राजनीतिक दलों की? गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम पत्रकारिता की इज्जत बचाई है, पत्रकारिता की विश्वसनीयता बचाई है और देश के सबसे बड़े मुद्दे पर आप बहस कर रही हैं, जबकि बड़े बड़े चैनल इस मुद्दे पर बहस करने की हिम्मत अभी भी नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि किसने दिया, कब दिया, किसको दिया, मैं उसमें जोड़ रहा हूं क्यों दिया। और मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर सकता हूं, हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, सदन में रहे हैं, जनता के बीच हैं, हम इस बात को News 24 में गरिमा सिंह के कार्यक्रम में स्वीकार करते हैं कि जो भी राजनीति में सहयोग करता है, एक आदमी हमको 25 साल में ऐसा नहीं मिला है कि उसने सहयोग किया हो और उसने सहयोग न जताया हो कि हमने नहीं किया है या हम चोरी से कर गया हो। हाँ, चोरी से आज तक कोई 500 रुपए भी नहीं दिया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब किसी और किसी को दे गया हो तो भाई अलग बात है। हाँ, नहीं होता। हम ये मानते हैं कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए और हम सर्वोच्च न्यायालय का पूरा देश आभारी रहेगा और इसलिए होनी चाहिए पारदर्शिता कि देश को मालूम होना चाहिए, देश के एक एक नागरिक को मालूम होना चाहिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला, देने वाला कौन है, क्यों दे रहा है, उसके बदले में उसको क्या दिया जा रहा है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार को किया है या और दलों ने भी किया है, हम सबके लिए बात कर रहे हैं, हम टीएमसी पर कहेंगे क्या सुनील साजन? टीएमसी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, देश लेगा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, टॉप 5 रिसीवर में है, 2000 करोड़ का चंदा मिला और जबान नहीं खोली टीएमसी ने। गरिमा जी, हम आपके कार्यक्रम में अभी एनडीए और इंडिया पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं किसको कितना चंदा मिला और क्यों मिला, लोग क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि हमको कैसे चंदा मिला। हम एक बात क्यों नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि आजादी से पहले नेता सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। भाजपा ने भी एक नारा दिया है, तुम हमें चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे। और यह चंदा किस तरीके से वसूला गया गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपके जो दर्शक हैं उन्होंने भी सबने शोले पिक्चर देखा होगा। शोले पिक्चर में जो गब्बर सिंह थे, गब्बर सिंह पहले गांव में नहीं जाते थे वसूली करने, पहले उनके दो आदमी थे सांभा और कालिया, वो जाते थे। और भाजपा में कौन गया? पहले ईडी गई और सीबीआई गई। गब्बर सिंह ने वसूली तो बाद में की, हजारों करोड़ की। तो हमारा कहने का मतलब है कि बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्यों दिया है, किसने दिया है और उसके बाद उसके बदले में क्या मिला है, क्या मिला है। तो ये जो 14 करोड़ मिले हैं सुनील सिंह साजन, जानते